व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड अनदर ट्रिप व्लॉग। भाई बैक टू बैक ट्रिप हो रही है, एंड जिनको तभी का ऐसा है कि भाई टाइम हो रहा है 9:33 टाइम स्लिप हो गई। एंड सीन कैसा है, हम जा रहे हैं दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो दिल्ली पहुँच के बताएंगे, लाइक कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। देन अभी का सीन ऐसा है, देखो पैकिंग वैकिंग हो गई है, पैकिंग का बैग इधर है, बट रूम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है तो मैं रूम तो ऐसे दिखा नहीं रहा कल, प्लस काफ़ी ज़्यादा लाइटें चल रही है, दिवाली मना रखी है हमने रूम में। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई हमें पहुंचना है स्टेशन, 10:40 की हमारी ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस, जो लाइक यहाँ से निज़ामुद्दीन चलती है। मोस्टली लोग वही प्रेफर करते हैं भोपाल से जो दिल्ली जाते हैं, तो हमने भी वही लिया। एंड कल ही टिकट कराई थी, वेटिंग 19 थी बट कन्फर्म हो गई बहुत जल्दी ही, मतलब आज सुबह कन्फर्म हो गई थी, तो देन वेल एंड गुड। तो अभी चलते हैं नीचे, पापा आ गए, पापा एक्चुअली थे जबलपुर में, देन ही जस्ट केम एंड वही छोड़ने जा रहे हैं, तो नीचे चलते हैं। एंड रीज़न काफ़ी अच्छा है, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल होती है तो देन हम जा तो ट्रेन से रहे बट आएंगे ट्रेन से नहीं, तो वहाँ को पता चले जाएगा। देन नीचे चलते हैं फटाक से, मम्मी ऑलरेडी एक जगह पर हैं, उनको वहाँ से पिक करना है, देन वहाँ स्टेशन जाना है, तो लेट्स गो। एंड अभी उनको थोड़ा बहुत खाना भी है तो देर नहीं करते, स्टेशन में मिलते हैं। Can you down on the daily? You're dodging my calls. Can you talk to me, baby? My ADD is kicking in. And I threw out my Ritalin. I need something to focus on. It's hard to need a stimulant. क्योंकि पिछली बार हमने बोला था कि ट्रिप स्टार्ट हो रही है बिना पापा के, मम्मी ने बहुत जोर से दुआ लगाई थी कि ऐसे कैसे अकेले, तो फिर अब मम्मी के साथ भी शुरू हो गई। तो स्टिल इधर पापा नहीं है, बट हम लोग जा रहे हैं दिल्ली जैसे मैं बता चुका हूँ, तो मम्मी को पिक कर लिया था, अब आ गए हैं स्टेशन। सामने खड़ी है भाई ट्रेन, बस निकलते हैं ना। अल्ट्रा वाइड में ब्लॉक करने के क्या फील आती है, एकदम बढ़िया मज़े आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ट्रेन खड़ी है, पीछे आ रही है, अपना है बी सिक्स में 39 एंड 40 चलते हैं। काफ़ी कोच बढ़ा दिया, बी सिक्स तक पहुँच गया, पहले तो बी फोर के आगे कोच ही नहीं होते थे, रहते थे क्या, मैं तो कभी हमारा कभी होता नहीं था ये समझ लो। हाँ फिर मम्मी मैंडेटरी हर साल का दिल्ली का चक्कर शुरू, हमारा ऑलमोस्ट हर साल का दिल्ली का एक चक्कर लगता है, तो वो काइंड ऑफ मैंडेटरी ट्रिप होती है। पिछली बार दो बार लगे थे, इस बार पहला है, तो वो भी आपका दूसरे कैसे हो गया, अच्छा भी आप तो राइट। अभी मम्मी भैया को छोड़ने गई थी, तो मम्मी की दूसरी हो गई, मेरी पहली है, एक और हो जाएगा, लिख के ले सकते हो आप। तो चलते हैं, अभी बैठे हैं, अभी टाइम हो रहा है, अरे एक तो मेरी घड़ी बन गई है, अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, अभी 10:27 हो रहे हैं, 10:40 का टाइम है, तो 10-15 मिनट है, देखते हैं। और मुझे अच्छे अच्छे लुक्स मिल रहे हैं, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही हैं। सब ऐसे नहीं देखा था, आप समझ में आया तो टाइम ही कहाँ मिला आज तक। गाइस 8:15 हो रहे हैं, लाइक 8:15, एंड अभी जस्ट पहुँचे हैं, अभी कैब बुक हुई है, एंड बस अभी उसको आने में 5 मिनट लगेंगे, तो वो आता है करते हैं। देन मैं अपनी कंघी भूल गया हूँ, तो मेरे बालों की हालत बहुत ही गंदी हो रही है, बट देन ओके पे यहाँ पे पहले वो होता था ना कम सम, वो वहाँ पे कोई कम सम हुआ करता था, दैट्स लाइक द रेस्टोरेंट, तो मतलब अच्छा था यार, अब काफ़ी कुछ है, बाकी पाव भाजी मुझे अच्छी लगती थी, तो अब आती है आ जाए कैब तो देखते हैं। खैर पूरे टाइम यहाँ पे बहुत शोर शराबा रहता है, तो बस थैंक यू भैया, आपका नाम क्या था, राजन, तो इन्होंने हमें अच्छे से ड्रॉप कर दिया, तो थैंक यू। यस फाइनली आ गए, मेरे किटी के पैसे टैक्सी उनका, बिकॉज यहाँ पे लोग UPI यूज़ करते हैं, हमने कैश दिया, वहाँ से पीछे वरुण भैया भी आ गए, तो मम्मी याद कर रही थी गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी आ गई अपनी, तो गाड़ी जब याद कर रही थी गाड़ी कहाँ गई। दो ब्लैक फॉरेस्ट, दो नई गाड़ी की खुशी में आइसक्रीम, एंड मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस आल्सो। तो फाइनली रीच्ड, काफ़ी टाइम हो गया, उधर पापा से बात चल रही है, बट दैट गाड़ी काफ़ी सुंदर लग रही है यार, एंड मैंने थोड़ी सी चलाई
थोड़ी सी मतलब काफ़ी चला ली एंड बहुत सही ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्मूथ है। सो अब चलते हैं ऊपर, मम्मी पापा को लेके आते हैं, मम्मी को दिखाते हैं गाड़ी। तो बेसिकली इसी काम के लिए हम आए थे दिल्ली, बिकॉज ये गाड़ी हमने भोपाल से देख रखी थी एंड चूंकि एक गाड़ी हमको चाहिए थी तो देन दिस वॉज अ गुड ऑप्शन टू बाय। सो इसको लेके आए एंड अब इससे भोपाल वापस लाइक रोड ट्रिप। एंड भाई आइसक्रीम पार्टी हमने कर ही ली थी, सो लेट्स गो। मोमेंट्स लेटर। क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो बताओ जनता को, क्यों इमोशनल हो रही हो बता दो, किसकी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है बता दो। तो मम्मी को भैया की याद आ रही है तो मम्मी इमोशनल हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी, आ जाएगा बस कुछ साल और। आए हुए हैं हल्दीराम एंड ये हमारा छोटा बदमाश अंशी, हाय कर दो, से हाय। चलो यहाँ पे हल्दीराम पे आए हुए हैं एंड इसमें हमारी ये आज की हमारी राइड थी, ये पगलाया हुआ है, ये प्रॉपर पगलाया हुआ है। तो आ रहे हैं बाकी लोग भी, वरुण भैया लोग भी आ रहे हैं, देन चलते हैं खाते पीते हैं। तो लेट्स गो। क्या चल रहा है भाई बच्चा पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है ये? भाई राम खुल गया उसका, अभी अपने से पैसे वसूल लेंगे वो लोग। भगवान तुम लोग के करम, देखो उसको ऑफिस। गाइस खाना वगैरह डन, ये लोग भी आ रहे हैं एंड भाई काफ़ी भरपेट खा लिया, चाट वगैरह सब कुछ मिक्स क्यूजिन हो गया है, चाट भी खा लिया, चाइनीज़ भी खा लिया, पराठे भी खा लिए, डोसा भी खा लिया, तो ओवरऑल हमने सब कुछ कवर कर लिया। देन अभी बच रहे हैं रात के 10 समथिंग, तो अब चलते हैं घर की ओर एंड देन फिर मिलते हैं। The next morning. Hey guys, so time is दोपहर के, कुछ कुछ हो रहे होंगे, एक मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, एक तो मैं आधी नींद में हूँ, मतलब ऐसे बहुत लेजी हो रहा है। बट दो अभी का अपडेट ये है, हम जा रहे हैं सरोजनी नगर ऐसी थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, मैंने भी कैब बुलाई है, कैब से चल के देखते हैं, कुछ समझ में आएगा तो ले लेंगे। तो मुझे ही देखना था बहुत ज़्यादा, और क्योंकि पिछली बार मम्मी आई थी तो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ें लेके आई थी, तो मैंने सोचा भाई इस बार एक राउंड मार आते हैं अपन भी। तो पीछे मम्मी और राय जी हैं, उनके साथ जा रहे हैं, कैब आती है देन फिर निकलते हैं। भाई तो जैम पैक भीड़ है यार, मतलब जब मम्मी लोग आए थे ना तब शायद भीड़ भी नहीं थी, इतनी भीड़ ना दोबारा तो कभी नहीं आऊँगा, काफ़ी सही है। तो मतलब कलेक्शन अच्छा है वगैरह वगैरह, बट बहुत भीड़ है भाई, ये लोग ये खड़े हैं। एंड हियर इज द आइकॉनिक चीज बंटा, वो पी रहे हैं, इतनी मस्त नीड है भाई गर्मी में ये। मोमेंट्स लेटर। गाइज मेरे बालों की दुर्दशा हो चुकी है, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं और कर्ली हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा बोला गया था कि भाई अपने कर्ली बाल करके दिखाओ, तो उसकी वजह से बालों की दुर्दशा हो गई है और मैं अपनी कंघी भी घर पे बुलाया हूँ तो ढंग से कॉम भी नहीं हो पा रही है। जिन को जैसे आया है शाम के बज रहे हैं 5 समथिंग, एक सेकेंड, हाँ तो शाम के बज रहे हैं 5, मैं अभी जस्ट नीचे जा रहा हूँ गाड़ी में बैठने से थोड़े एंड मतलब देखते हैं, थोड़ी साफ करने बोली थी तो वो देख लेते हैं एंड नीचे लोग मम्मी लोग सो रहे होंगे शायद, तो चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 6 फ्लोर पे दाऊजी रहते हैं, 10 फ्लोर पे भैया भाभी रहते हैं, तो अभी मैं 10th पे था और मम्मी नीचे 6th पे, इसलिए नीचे ऊपर का फंडा है ये।